हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान इतिहास के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन मिलता है पेपर में। आज का जो टॉपिक है वह है मेवाड़ की चित्रकला, मेवाड़ की चित्रकला या मेवाड़ शैली की चित्रकला। तो मेवाड़ शैली में कौन कौन से चित्र चित्रित किए गए हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मेवाड़ शैली की चित्रकला। सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में बात करें तो परिचय में हम ये जानेंगे कि मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण केंद्र है। तो अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में सबसे पहले कौन सी शैली विकसित हुई, तो वह कौन सी शैली विकसित हुई, मेवाड़ शैली विकसित हुई। कैसे विकसित हुई, गुजराती कलाकारों के आगमन के बाद मेवाड़ में चित्रकला का विकास हुआ। देखिए, गुजरात में जो चित्रकला थी वहाँ से गुजराती कलाकार कहाँ आते हैं, मेवाड़ में आते हैं, और मेवाड़ में आकर चित्रकला का क्या होता है, विकास होता है। अगर हम इसके ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बात करें, मेवाड़ शैली के ऐतिहासिक परिदृश्य क्या रहा, तो प्रारंभिक योगदान क्या है कि गुजराती कलाकारों ने मेवाड़ में आकर चित्रकला को प्रेरित किया। तो गुजराती जो गुजरात से कलाकार कहाँ आए, मेवाड़ राज्य में आते हैं और वहाँ वो अपने वो चित्रों को बनाते हैं, जिससे मेवाड़ शैली का विकास होता है। अजंता परंपरा से प्रेरित होकर स्थानीय विशेषताओं के साथ कई नई शैली का निर्माण किया। देखिए, जो गुजराती कलाकार थे, जो अजंता में जो चित्र बने हुए थे, उस परंपरा से प्रेरित होकर और यहाँ के जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार एक सम्मिश्रित नई शैली का विकास किया, जिसे मेवाड़ शैली के नाम से जाना गया। तो मेवाड़ शैली जो है वो कौन सी परंपरा से प्रेरित है, अजंता परंपरा से प्रेरित है। और किन कलाकारों ने मेवाड़ शैली को राजस्थान में या मेवाड़ में शुरू किया था, तो गुजराती कलाकारों ने शुरू किया था। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्र शैली कौन सी है, मेवाड़ शैली सबसे प्राचीनतम चित्र शैली है। तो यहाँ से हमें ये दो तीन जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर होते हैं। आगे हम बात करें, देखिए मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सबसे पुराना यानी कि मेवाड़ चित्र शैली का या फिर राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। मेवाड़ शैली का भी सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, मेवाड़ शैली का सबसे पहला ग्रंथ है, और राजस्थान चित्रकला का भी सबसे पहला ग्रंथ है। और यह महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में इस ग्रंथ को लिखा गया। तो समय महाराणा कौन थे, तेज सिंह थे। महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में इसको क्या किया गया था, लिखा गया था। दूसरा, मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, सुपासनाहचर्यम, इसकी रचना हुई है 1422 से 1400 ईस्वी में, सुपासनाहचर्यम। और तीसरा है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र उदयपुर के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। तो ये पूछा जा सकता है कि उदयपुर के सरस्वती भंडार में सुरक्षित मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, तो वह है कल्पसूत्र, जिसकी रचना हुई है 1536 ईस्वी में। तो मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हो गए, तीन प्रमुख ग्रंथ हो गए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसकी रचना होती है 1260 ईस्वी में। यह मेवाड़ चित्र शैली का सबसे पहला ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, राजस्थान चित्रकला का भी सबसे पहला ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है सुपासनाचरियम, जिसकी रचना होती है 1422 से 1423 ईस्वी में। और तीसरा ग्रंथ है कल्पसूत्र, 1536 ईस्वी में इसकी रचना होती है, और यह उदयपुर के सरस्वती भंडार में क्या है, सुरक्षित है। अब देखिए, धीरे धीरे समय के साथ मेवाड़ चित्र शैली में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो 16वीं शताब्दी में इसमें क्या परिवर्तन आता है, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्र शैली में चेहरों की परिपक्वता की ओर ध्यान दिया गया, भावात्मक आकृतियां बनाई गई और रंगों की विविधता पर ध्यान दिया गया। यानी कि 16वीं शताब्दी में क्या चेंजेस आते हैं, कि चेहरों की परिपक्वता पर ध्यान दिया जाता है और चित्र जो बनाए जाते हैं उसमें भावात्मक आकृतियां बनाई जाती हैं और अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। चौर पंचसिका इस परिवर्तित शैली का प्रमुख उदाहरण है, यानी कि मेवाड़ चित्र शैली में जो परिवर्तन होता है उससे एक नई चित्र शैली का विकास होता है, और उसका नाम है चौर पंचसिका, जिसका विकास होता है 1540 ईस्वी में। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि चौर पंचसिका जो चित्र शैली है वह कौन सी चित्र शैली से विकसित हुई है। तो मेवाड़ चित्र शैली से विकसित हुई है, और इसका मेवाड़ चित्र शैली का परिवर्तित रूप ही है, क्या है, चौर पंचसिका। नेक्स्ट, आगे हम बात करें, देखिए मेवाड़ पर मेवाड़ जो चित्र शैली है, जब चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का कब्जा हो जाता है तो मेवाड़ चित्र शैली पर मुगलों का प्रभाव भी पड़ता है। तो मेवाड़ चित्रकला को मुगलों से प्रभाव मिला, लेकिन अपनी विशेषताओं में वह अलग था। यानी कि मुगलों का प्रभाव तो हुआ पर उतना नहीं हुआ जितना मेवाड़ चित्र शैली जो थी वो अपने आप में पहले से ही क्या थी, विकसित थी। अगर हम बात करें मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी बनता है। महाराणा जगत सिंह का काल 1628 से 1652 ईस्वी में इनका काल रहता है। महाराणा जगत सिंह का काल मेवाड़ चित्रकला का क्या है, स्वर्णकाल कहा जाता है। और मेवाड़ चित्रकला के स्वर्णकाल के समय प्रमुख चित्रकार थे शाहबुद्दीन और मनोहर। कौन थे, शाहबुद्दीन और मनोहर। तो मेवाड़ चित्र शैली के स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, महाराणा जगत सिंह के काल को
मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ चित्र शैली में महाराणा जगत सिंह के समय कृष्ण चरित्र और रामचरित्र का चित्रण किया गया है। तो कृष्ण का जो चरित्र है वो किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कैसी कैसी लीलाएं की उनका चित्रण किया गया है, राम ने भी कैसी लीला की उसका चित्रण किया गया है। तो कृष्ण चरित्र और रामचरित्र का चित्रण जो है वो मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। और मेवाड़ चित्र शैली का जो उत्कर्ष काल है वह है महाराणा राज सिंह और जय सिंह के संरक्षण में चित्रकाल का चरम उत्कर्ष होता है। और यह काव्य चित्र जैसे रागमाला एकादशी महात्म्य का चित्रण किया गया है। तो रागमाला और एकादशी महात्म्य का चित्रण किसमें किया गया है, वह किया गया है मेवाड़ चित्र शैली में। और यह मेवाड़ चित्र शैली का उत्कर्ष काल होता है और उस समय महाराणा थे महाराणा राज सिंह और जय सिंह, जो मेवाड़ चित्र शैली के मेवाड़ चित्र शैली को उसके चरम तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 18वीं और 19वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्र शैली में कुछ बदलाव आ जाते हैं। देखिए मैं पहले ही बता रहा था कि भाई जैसे जैसे समय बदलता है उसी हिसाब से चित्र शैली में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी मेवाड़ चित्र शैली में क्या आते हैं, बदलाव आते हैं और एक नई चित्र शैली का निर्माण होता है, वह है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली मेवाड़ और ब्रज शैली का जो सम्मिलित रूप है वह है नाथद्वारा शैली। तो मेवाड़ चित्र शैली की ही उप शैली है नाथद्वारा शैली। और यह नाथद्वारा शैली किसका मिश्रण है, मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण है। नाथद्वारा शैली के कलाकार हैं बाबा रामचंद्र और नारायण। कौन है, बाबा रामचंद्र और नारायण। 19वीं शताब्दी में क्या प्रभाव पड़ता है, अंग्रेजी प्रभाव से मेवाड़ी चित्रकला की विशेषताएं समाप्त होने लगती हैं। यानी कि अंग्रेजों ने जब मेवाड़ चित्र शैली में अपनी मर्जी के अनुसार चित्र बनवाना शुरू किया तो मेवाड़ जो चित्र शैली की प्रमुख विशेषता जो रही थी अब तक वह धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और मेवाड़ चित्र शैली के मुख्य विषय क्या रहे हैं, धार्मिक और काव्य चित्रण। यानी कि धर्म पर आधारित घटनाओं पर चित्रण किया गया है और काव्य जो जैसे रागमाला थी उन काव्यों का भी क्या किया गया, चित्रण किया गया है। वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व मेवाड़ चित्र शैली में हमें दिखाई देता है। भागवत और गीत गोविंद के चित्रण किए गए हैं। तो भगवान विष्णु से संबंधित भागवत और गीत गोविंद का चित्रण मेवाड़ चित्र शैली में किया गया है। रीतिकालीन नायक नायिकाओं के श्रृंगार चित्र भी मेवाड़ शैली महत्वपूर्ण है। तो रीति काल के जो नायक नायिका हैं उनका चित्रण भी मेवाड़ शैली में किया गया है। अब हम बात करें कि मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता क्या है। मेवाड़ चित्र शैली की जो मुख्य विशेषताएं, आमजनों का चित्रण, भित्ति चित्रण मेवाड़ चित्र शैली की क्या है, प्रमुख विशेषता है। रंगों में अलग अलग विविधता पाई जाती है। विभिन्न वस्तुओं के रंगों का विशेष प्रयोग मेवाड़ चित्र शैली में किया गया है। तो मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता क्या हो गई, आमजनों का चित्रण, भित्ति चित्रों की प्रमुखता और रंगों में विविधता, विभिन्न वस्तुओं के रंगों का विशेष जो प्रयोग है मेवाड़ चित्र शैली में किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या बदलाव हुए, कैसे ये चित्र शैली विकसित होती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन है तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। और जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद।